पे आए, ये मैं इशारा है और इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है यहाँ से कोटा पे इसका बेहतरीन एक डेढ़ साल से बंद पड़ा हुआ था मुख्तलिफ वजूहत की वजह से। जब हमने कोई काम करना है, काम वहाँ के पैसे से करना है, वहाँ की सहूलत के लिए करना है, चंदा भी अफसरों को और उधर मीटिंग भी किया कि टाइमली हम काम शुरू करें और काम में कोई दरमियान में रुकावट नहीं आना चाहिए, उससे पहले हम तैयारी करें जो भी कोई जस्टिफिकेशन। अब डेढ़ साल में हम लोग ये चीज़ें बेहतर नहीं कर सके और रोड खोद की वो किया और इन चीज़ों को बेहतर करना। पिछली दफ़ा आपको याद है 2018 में हमें आया था, डेढ़ साल से जिन्ना रोड बंद था, कोई वजह नहीं, छोटे से इश्यूज होते हैं जिसको तवज्जो की ज़रूरत होता है, किसी किसी ओन में ख़राबी चीज़ें उसको टाइमली वो कुछ अफसरों की गलती कुछ हम टाइमली उसके ऊपर नज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से डेढ़ साल के बाद हम ये रोड दोबारा शुरू करा रहे हैं। आपको याद है हफ्ते दस दिन पहले सब रोड में आए थे जिस तरह पानी की साथ मुश्किल आते थे, इसके साथ हमने मीटिंग किया और पी डी भी लगा दिया है। तो अभी भी मैंने इनको कहा कोई चीज़ में सुस्त रवैया करनी चाहिए, काम आवाम के लिए करना है तो बराबर करना है, इस तरह लोगों की को तकलीफ नहीं दें और लोगों के पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए। इंशाल्लाह कोयटा में जितने रोड बंद पड़े हुए हैं आप कुछ दिनों में देखेंगे सारे वहाँ पे काम शुरू करेंगे और दिन रात चलेंगे, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें थे जिसकी वजह से आज कल में एक दो दिन में आपका मशीनरी वहाँ पर नहीं हो गया, फिर मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी मशीनरी तो लाया है लेकिन मैं अभी ये भी इम्तिहान है कि आप क्वालिटी का काम भी करेंगे और उसको जिस तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे फिर जाके मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने काम किया और हमको भी काम चाहिए। कोयटा हमारा फेस है और उसको बेहतर करना हमारा काम है और इस तरह का कोई कमज़ोरी इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा चाहे कोई अफसर हो। तो ये हमारा मकसद है। अच्छा कदूस बिजनेस साहब, सर इस तरह है कि इंटीरियर जो शहर की सड़कों की हालत इंतहाई सूरत हाल में है, वहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी जो सड़कों पे बह रहा होता है जो नाले का गंदा पानी है, और साथ में कोई भी खातरख्वाह इकदाम नहीं किए गए शहर के, और साथ में मेट्रोपॉलिटन का जो इस टाइम किरदार है कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, सफाई की इबतर सूरत हाल है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं शहर के मुख्तलिफ जो इंटीरियर सिटी है उसकी बात कर रहा हूँ, तो इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। तो आपको भी तकरीबन एक माह से ज़्यादा हो गया, इस हवाले से कोई ख़ास खातरख्वाह इकदाम नहीं है। बड़ी मेहरबानी, वाकई आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। कोयटा का बेसिक मसला अभी तक हम जो हमारा कैपिटल है सुबह का, हम इसका प्रॉपर प्लान भी इतने वक्तों में, अब इसमें हमने फर्म हायर की कि इसका प्रॉपर एक मास्टर प्लान हो और कोयटा को बेहतर करें, और महीने में मेरे ख्याल में कोई इतना काम नहीं कर सकता है जितना मैं चौथा पाँचों में सिर्फ दरियाब रोड में मेरा विजिट है। मकसद ये है, मेरे ख्याल में आपने किसी वजी अल्लाह को एक दफ़ा भी नहीं देखा होगा, उस दरियाब रोड आया हो और इस तरह एक दो दफ़ा भी आया होगा। मकसद ये है कि चीज़ों को बेहतर करना है, और इतना हालात ख़राब है, जो मैंने हल्फ नहीं लिया था झाड़ू लेने का मकसद ये था कि हमने चीज़ों को साफ़ करना, ये नहीं मैं झाड़ू दे रहा था, हम सब जितने आवाम हैं हम सब मिलके अपने शहर को साफ करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेटर आपका नया लगा दिया, सारा चीज़ें और बहुत जगह पे भी इतना गंद पड़ा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, सिर्फ कोयटा नहीं पूरा पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों का मेन मसला ही है। बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें वहाँ पर डेर था, अभी दो दिन बाद उनका हम एक जगह पर पार्क का इफ्तिताह कर रहे हैं, एक जगह पर स्कूल का इफ्तिताह कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो जो बात की है इंशाल्लाह मैंने भी 3 महीने दिए एडमिनिस्ट्रेटर को, अगर उसने रिज़ल्ट नहीं दिया फिर उससे पूछेंगे। इस चीज़ को कोयटा में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह 2-3 महीनों में आपको चीज़ बेहतर से बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये
आपके सामने 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ था, तवज्जो की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर कोई डिसीजन आवाम के लिए लेना चाहे उसका हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े कर लेंगे, हम डिसीजन नहीं लेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हैं। बहुत ऐसे चीज़ें थे हमें आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन लेना पड़ता जो कि हम डरते हैं कभी इसको कानून के तहत चीज़ों को बहुत चीज़ें ख़राब हो गई उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। क्यों 1.5 साल से नहीं आज दोबारा शुरू कर रहे हैं? तो आसमान से चीज़ें नहीं वही हैं। तो इसी तरह बाकी आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसमें मैं आप सब से आपकी तवसुस से मीडिया के तवसुस से शहर और अपने इलाके की सफाई में जब तक सिविल सोसाइटी का किरदार नहीं होगा हम इसको बेहतर नहीं कर सकते। हमें हमारे चाहिए कि फर्स्ट तो हम अभी जो चीज़ें हमने ख़राब हुई हैं उनको बेहतर करना है, फिर हम सब मिलकर अपने सूबे के हेडक्वार्टर को बेहतर करें और सफाई को करें। हम आपने देखा है वहाँ पे नाले भी बने हुए, झाड़ू दे के मिट्टी और प्लास्टिक नाले में फेंक रहे, बारिश में बंद हो जाता पानी बाहर आ जाता। तो अगर इस शहर को हर एक अपना घर समझे मेरे ख्याल में ये दिन ज़रूरी है कि कोई बेहतरीन शहर और साफ़ सुथरा शहर हम पहले भी देखा तो बेहतर। तो हम अपनी ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह निभाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं लाएंगे। और जब एक दफ़ा हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाया फिर आवाम से भी अपील है कि वो हमारे साथ मिल के सफाई में और कुछ दिनों में देखेंगे। और मेरे ख्याल में आप देख भी रहे हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है ऐसे ऐसे मुलाजम नहीं थे, कभी उन्होंने रोड भी नहीं दी। और मैं भी शेयर करूँ कि सफाई क्यों हुआ है, क्या हुआ है, और लोग अब सफाइयाँ भी शुरू कर रहे हैं। एक तो ये कि हम ऐसे कौम हैं जब तक मुसलसल चीज़ों पे विज़िट नहीं करते हैं। अभी मैं आया मैंने देखा हर जगह पानी भी साफ़ कर रहे हैं सारे चीज़ें, चलो विज़िट से फ़ायदा तो होता है इलाके का। इंशाल्लाह हम भी निकलेंगे और कोशिश करते हैं मीडिया के लोगों से भी कहीं पर भी आपको बजाय नेगेटिव इस तरह की चीज़ें आप लोग ज़रूर मीडिया में लाएं और हमें भी पता चले कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं उसको किस तरह दूर किया जाए। हम मिलकर इंशाल्लाह कोयटा को बनाएंगे और साफ़ सुथरा। सर डेवलपमेंट जो पैकेज था कोयटा सिटी का उसके तहत जो 26 अरब रुपये ज़ायद रकम जो है मुख्तस की गई थी इसके लिए 2 साल की ड्यूरेशन रखा गया था लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ, क्या समझते हैं सर इसमें कौन कोताही जो है वो किसकी कोताही और जो कोताही के मुर्तकिब अफराद उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे? देखिए इसमें कोताही तो नहीं है यहाँ पे जो किसी ने बनाया है, जब भी होता है ना जब किसी ने बना रहे उस टाइम जल्दी जल्दी में चीज़ें कर लेते हैं, फिर वो समझते हैं कि बाद में कहीं पे कमी बेशी होता है उसको हम पूरा कर लेंगे। शहर में एक दफ़ा आपने किसी ने बनाया दोबारा उसको सही करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उससे ये होता है कि जब काम शुरू होता है तो कोई चीज़ बदल आ जाती है उसमें, वो चीज़ें को पहले हमें वो करना चाहिए। जब आपने कर लिया आपको पता है कि जब दोबारा उसमें डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, कोई लेता नहीं है जिसकी वजह से क्या क्यों बनता था मैं तो नहीं था लेकिन बनता। हम अभी आए कुछ दिनों में मीटिंग की है, जितने प्रॉब्लम थे प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आए रोड पर काम शुरू कर दिया। और कई ऐसे चीज़ें हैं ना मसले हैं जो वजह सिर्फ इंतज़ामिया नहीं है, अब कुछ जगह पे उसने तो डिज़ाइन बना दिया सारा पीसीवन बना दिया, अब उसमें मस्जिद 4-5 मस्जिद आ रही हैं सरयाब रोड में कुछ एक दो सब्जल रोड पे। उस दिन मैंने तमाम उलमा को बुलाया था उनको मैंने रिक्वेस्ट किया ये मसला है। देखिए मतलब ऐसा चीज़ है उस पर आप कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब रोड ले जाएंगे वो उस जगह को क्या करेंगे, इस तरह के जेन्युइन इश्यूज़ भी आते हैं जिसकी वजह से। और कुछ चीज़ें जो डिसीजन लेने थे वो टाइमली उन्होंने नहीं लिया, मीटिंग करते रहे, किसी ने अपने बोझ अपने ऊपर डालने की किसी ने हिम्मत करना है वरना चीज़ें बेहतर नहीं होगी। बहरहाल हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे काम के लिए कोई डिसीजन लेते हैं उसके लिए हम तैयार हैं जो भी होता है।
आज आपके सामने इन शाला, और क्वेटा में जिधर जिधर भी बाकी भी मिनिस्टर साहब और पीडीएफ जो काम में रुके हुए हैं उनको भी जल्दी जल्दी शुरू करें। सबजल रोड का मैं उस दिन जब सरयाब रोड आया था तो उसमें खुद गया और सारा एरिया को भी देखा, बाकी वहाँ पे इससे भी बुरा हाल है, तो वो भी इंशाल्लाह भी काम इसी के साथ वो भी शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। बस एक था कुछ जदीद वो थे जैसे मस्जिदें, कुछ टेक्निकल पॉइंट थे जिसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना था टाइमली नहीं लिया, जिसकी वजह से ये जो अच्छा काम था वो सुस्त रवैये क्या बंद हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह दोबारा शुरू। असर इस टाइम शहर जो है ना किल्लत आप से दो चार है, लोगों को पानी मैसर नहीं है और टैंकर माफिया के रहम करम पे है, इस किल्लत को दूर करने के लिए पानी के कोई खातों को कोई इकदाम किए जा रहे हैं या करने वाले हैं, इस हवाले से कोई मंसूबा है? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज का नहीं है, बहुत पुराना मसला है और कोटा के बहुत अलार्मिंग सिचुएशन इस हवाले से पानी के हवाले से, क्योंकि हम लोग 800-900 फुट तक हमने ट्यूबवेल लगा दिए, अपने फ्यूचर के बच्चों का भी पानी निकाल रहे हैं आगे कोटा के लिए। इसके लिए बाकायदा हमने टास्क फोर्स भी बना दिया कि कोटा का पानी का सही किस तरह वो करें, एक तो कुछ पुराने चीज़ें हैं उनको किस तरह हम वो करें, वो MD वासा लगा दिया और कुछ बन रहे हैं जैसे कोटा के सराउंडिंग में, और मज़ीद इस तरह के डैम्स की ज़रूरत है। बहुत बड़ा चैलेंज है और इंशाल्लाह हम कोशिश करें जहाँ तक अल्लाह ने मदद किया एक साल में जितना कर सकेंगे, एक डेढ़ साल में इंशाल्लाह इस पर भी हम फोकस करेंगे और बाकी इसमें काम करने की ज़रूरत है, और ये अगर नहीं किया तो मुस्तकबिल कोई नहीं हो रहा। सर अपना ओमान की सूरत हाल जो है वो आज फिर एक रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हो गया, ये काफ़ी मुतवातर वाक़ियात शुरू हो गए, इस हवाले से क्या करें, ये थोड़ी सी गंभीर सूरत हाल हो गई। ये देखिए अमन अमान हमारी जिम्मेदारी है, चीज़ें हैं, और एक मीडिया से भी मेरा रिक्वेस्ट है, कोयटा बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है, हमारे जितने न्यूज़ चलते हैं ना किसी भी इलाके वाक़ होता है, कोयटा अवारान में ही हो, कोयटा तुरबत में हो, अब बाहर बैठे हुए लोग वो समझते हैं ये सारा कोयटा में हो रहा है, उनको क्या पता होगा कि सरयाब की तरह ये भी एक अवारान में उसका एक लिंक रोड है, वो कानूनी है, तो वो सारा न्यूज़ ऐसे चलता है जैसे कोयटा में आधा पाकिस्तान इस तरह वाक़ होते हैं चीज़ें, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन ये कि दूसरों की इंफॉर्मेशन के लिए अगर कर सकते हैं उस इलाके के नाम करके बलूचिस्तान का नाम देना दे दें ताकि वो पता चले कि ये सारे वाक़ कोयटा में नहीं हो रहे, सारे पूरे बलूचिस्तान में एक सूबे में इतना, और जैसे अफ़गानिस्तान के चेंज आए तो उसका असर सबसे पहले हमें ही भुगतना पड़ता है हर वक्त जब भी हुआ है, तो इंशाल्लाह उस पर लगी हुई हैं, और हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं ये इंशाल्लाह ऑन बोर्ड हैं और इंशाल्लाह इस पर जल्द काम करेंगे। थैंक यू।